ये सुभाषिनी चंद्रमणि का ट्वीट है और शायद सारे ही बेंगलुरु के निवासी इस ट्वीट से रिलेट करते हैं। एक ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स के हिसाब से 2019 में करीब 50 देशों के 400 शहरों में से ट्रैफिक कंजेशन में बेंगलुरु दुनिया का सबसे खराब शहर था। ऑन एवरेज बेंगलुरु के एक निवासी ने रश आवर के दौरान, यानी कि जब ट्रैफिक सबसे बुरा होता है, तब साल के 10 दिन ट्रैफिक में गुजारे। इस समय के दौरान वो नुसरत फतेह अली खान के इस गाने को करीब 560 बार सुन सकते थे, सीक्रेट गेम्स का पहला सीजन करीब 29 बार देख सकते थे और लालबाग बोटानिकल गार्डन्स के करीब 400 चक्कर लगा सकते थे। एक दूसरी स्टडी ने दिखाया कि इंडिया के शहरों में बेंगलुरु सबसे ज्यादा कंजेस्टेड है और ट्रैफिक सेकंड स्लोएस्ट है। बेंगलुरु में एवरेज स्पीड करीब 11 किलोमीटर पर आवर की है और अगर कोई स्टेप्स नहीं उठाए तो 2031 तक वो 8 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, जिसका एक भारी नुकसान भी हो सकता है। एक पेपर ने दिखाया कि ट्रैफिक कंजेशन की बीमारियों की कॉस्ट लोगों की एनुअल इनकम के 10% से भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि साल के करीब 50,000 रुपए। एक मार्केट रिसर्च कंपनी फीडबैक कंसल्टिंग के हिसाब से ट्रैफिक जैम्स की कॉस्ट बेंगलुरु के लिए है $30 बिलियन, यानी कि शहर की GDP का 2%। और शायद इसी वजह से जो बेंगलुरु का सबसे फेमस ट्रैफिक जैम है सिल्क बोर्ड जंक्शन में, अब उसका खुद का एक ट्विटर अकाउंट भी है जहां इस जंक्शन को बुलाया जाता है इंडिया का सबसे बड़ा पार्किंग लॉट। और इसी वजह से बेंगलुरु के ट्रैफिक के ऊपर कई मीम्स भी हैं। पर ट्रैफिक एक कारण है जिसकी वजह से कई बड़ी कंपनीज अब बेंगलुरु की बजाय दूसरे Tier 2 और Tier 3 शहरों में रीलोकेट कर रही हैं। अब बेंगलुरु में बहुत बुरा ट्रैफिक है, इसके बारे में कई लोग जानते हैं, पर इसके पीछे कारण क्या है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। Idea of an India brimming with advanced technology may seem difficult to reconcile. It's the fastest growing city in India. The Indians like to think of this as their own sort of Silicon Valley. Once a garden city, now reduced to a pothole ridden city. Right now the situation has become worse in Bangalore with potholes, bad roads and bad footpaths. It's horrible. It's exhausting. Frustrating. Beautiful. Irritating. Bahut tension aa raha hai ma'am. Every time jam or traffic jam. Took a cab from the airport. It was a brand new Volkswagen Polo. By the time we reached Kormangla, it had gone through 60% depreciation. बेंगलुरु का निर्माण किया था कैंपे गौड़ा ने 1537 को। ये मैप है आज के बेंगलुरु का, पर जो आप लाल पोर्शन देख सकते हैं मिडल में, वो बेंगलुरु का शहर था कैंपे गौड़ा के टाइम पे। कॉलोनियल रूल के दौरान अंग्रेजों ने बैंगलोर कैंटोनमेंट बनाया, जिसको डेवलप और मेंटेन करने के लिए कई कर्मचारी इंडिया के दूसरे भागों से बेंगलुरु आए, जिसकी वजह से शहर का और विकास हुआ। आजादी तक बेंगलुरु ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया में, पर उसके बाद ऐसे कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से बेंगलुरु का भविष्य पूरी तरह चेंज हो गया। It was a battle in Marine Corps history for the strategic importance of its outcome, for its unrelenting bitterness and for the lives it cost for foot of First World War के दौरान इंडिया की पहली एयरक्राफ्ट फैक्ट्री हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने बेंगलुरु में बनाई, और इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार ने कई और पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रीज भी बनाई उधर। इन फैक्ट्रीज के साथ साथ कई टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इस शहर में मौजूद थे। अब इन कारणों की वजह से बेंगलुरु में कई वेल ट्रेन इंजीनियर्स मौजूद थे, और इसके साथ साथ ऐसी कई चीजें हुई जिसकी वजह से बेंगलुरु एक आईटी हब बन गया अमेरिका के लिए। पहला इंडिया की लिबरलाइजेशन जो 1991 में हुई, दूसरा कई NRI जिन्होंने US से ग्रेजुएशन करी थी वो बेंगलुरु वापस आए, उन्होंने बेंगलुरु में स्टार्टअप स्टार्ट करी। तीसरा US के IT सेक्टर में एक लेबर शॉर्टेज थी। चौथा इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में जो टाइम डिफरेंस था, इसका मतलब था कि इंडियंस काम करना स्टार्ट कर सकते थे जब अमेरिकन्स बंद करते, जिसकी वजह से उधर की कंपनी को एक 24 घंटे का दिन मिल गया था। और फाइनली दुनिया में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से डर बैठ गया और IT वर्कर्स की और जरूरत बढ़ गई, Y2K। Almost everyone is preparing for the worst. Potential Y2K computer crashes top the list. Y2K कंप्यूटर बग था जिसकी वजह से कंपनीज में एक डर था कि कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि वो 00 की डेट यानी कि 2000 की डेट प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। पर इन्हीं सब कारणों की वजह से बेंगलुरु एक IT हब बन गया इंडिया में। जैसे 2009 और 2019 के बीच दिल्ली NCR के बाद सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स बेंगलुरु में थी, और इस IT हब बनने के साथ साथ बेंगलुरु की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई, इसने बेंगलुरु को कई तरीकों से चेंज कर दिया। जैसे पहला चेंज हमने देखा कि उधर बहुत ज्यादा अर्बन डेवलपमेंट हुई, जैसे शहर में कई IT पार्क्स डेवलप हुए। इनमें से कई पार्क्स शहर के आउटर रिंग रोड एरिया में मौजूद है जो मोस्टली बंजर जमीन थी, पर दो दशकों के बीच इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है।
इस आउटर रिंग रोड एरिया में हमें भारी डेवलपमेंट देखने को मिली क्योंकि ये रोड दो पुराने आईटी सेंटर्स को कनेक्ट करती थी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वाइट फील्ड। अब ये डेवलपमेंट हुई तो जरूर, पर ये कोई ज्यादा प्लानिंग के साथ नहीं हुई थी। जैसे ट्रैफिक एडवाइजर प्रोफेसर एमएन श्रीहरि कहते हैं कि बेंगलुरु बेसिकली एक अनप्लान्ड सिटी थी। वो पहले बस एक गांव था जो एक टाउन बना और फिर शहर। दूसरा चेंज था कि बेंगलुरु की रोड्स का लेआउट में भी हमें एक बदलाव दिखा। ये लेआउट एक ग्रिड डिजाइन से, जो न्यूयॉर्क जैसे शहरों में देखा जाता है, एक स्टार शेप डिजाइन बन गया, जिससे ट्रैफिक बद से बदतर हो सकता है। ऐसे करीब 150 भारतीय शहरों के ट्रैफिक पर एक रिसर्च ने दिखाया कि एक ग्रिड पैटर्न से ट्रैफिक की स्पीड बढ़ सकती है। पर ये शायद इसलिए होता है क्योंकि एक ग्रिड पैटर्न से अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो आपके पास कई रास्ते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है। पर स्टार पैटर्न में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपके पास कई बार बस एक ही रास्ता होता है, और जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक एक रोड पर अटक जाता है। और ये चेंज कोई एक दो सालों में नहीं आया, बल्कि कई सालों के दौरान आया, और ये आप बेंगलुरु के मैप्स में भी देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी में बेंगलुरु एक ग्रिड सिस्टम पर निर्भर करता था, और 21वीं सदी आते आते वो धीरे धीरे एक अनप्लान्ड स्टार सिस्टम पर निर्भर करने लग गया। और तीसरी चीज है, जो बेंगलुरु की रोड्स हैं उनको यूज कैसे किया जाता है। अब कुछ रिसर्चर्स ने बहुत अनोखी चीज पाई इंडियन शहरों के ट्रैफिक के बारे में। उन्होंने ये पाया कि फास्टेस्ट इंडियन सिटी के ट्रैफिक की स्पीड अमेरिका के एक सबसे कंजेस्टेड एरिया से भी कम है। उन्होंने ये पाया कि बेंगलुरु जैसे इंडियन शहरों में जो गाड़ियों की स्पीड है वो बस ट्रैफिक की वजह से कम नहीं है, बल्कि ट्रैफिक के बिना भी वो बहुत कम है। इसके पीछे एक मेजर कारण है कि इंडिया की जो रोड्स हैं वो बस गाड़ियों के लिए यूज नहीं आती, बल्कि वो मल्टीपर्पज पब्लिक गुड्स हैं जिनके कई सारे यूज हैं। जैसे कुछ लोग रोड पर अपना टी स्टॉल लगा देते हैं और कुछ उसको पार्किंग के लिए यूज करते हैं। जैसे प्रोफेसर एमएन श्रीहरि बेंगलुरु के बारे में बोलते हैं कि रोड्स ट्रैफिक के लिए होती हैं, पर इधर आप हर जगह पार्किंग देख सकते हैं। इसके अलावा कई लोग अपने घरों की बाउंड्री बढ़ा देते हैं रोड तक। बेंगलुरु में ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से ही जो रोड्स की चौड़ाई है वो बहुत कम है, और इस चौड़ाई को बढ़ाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बिल्डिंग्स को तोड़ना होगा। और इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? दोनों ही नागरिक और सिटी ऑफिशियल्स। और ये प्रोसेस होता कैसे है, इसको इस पेपर ने बहुत बारीकी से समझाया है। पहले स्टेप में नागरिक म्यूनिसिपैलिटी के इंजीनियर्स को घूस देकर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद इंजीनियर्स प्रॉपर्टी के मालिक को यूजुअली एक शो कॉज नोटिस भेजते हैं और उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी को उनकी बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़नी चाहिए, बेसिकली ये दिखाने के लिए कि इंजीनियर्स भी अपना काम कर रहे हैं। अब मोस्टली इस स्टेप पर चीजें बंद हो जाती हैं और इस शो कॉज नोटिस का कुछ होता नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वो कंटिन्यू कर सकते हैं। पर कुछ नागरिक जिनको और आश्वासन चाहिए होता है वो कोर्ट जाते हैं, जहाँ से उनको एक स्टे ऑर्डर मिल जाता है डेमोलिशन के लिए। और ये स्टे ऑर्डर मिलता क्यों है? क्योंकि कोर्ट्स कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वजह से किसी को वो अपने घर से बाहर फोर्सफुली नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है कि म्यूनिसिपैलिटी उनका घर नहीं तोड़ सकती, इसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन पर भी रोक नहीं लगाते, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी ओनर है वो अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसके बाद म्यूनिसिपैलिटी कुछ भी नहीं करती इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब इस इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से बेंगलुरु की रोड की चौड़ाई भी कम हो जाती है और फिर जो बची कुची रोड है उनकी भी बहुत खराब हालत है। बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने एक रिपोर्ट में दिखाया कि करीब 244 रोड्स बहुत बुरी कंडीशन में है, और इस मामले में बेंगलुरु के ईस्ट जोन की हालत सबसे गंभीर है। इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि पूरे शहर में करीब 500 से ज्यादा गड्ढे हैं और कुछ एरियाज में 20 से ज्यादा गड्ढे हैं और उनकी हालत सबसे ज्यादा सीरियस है। उस रिपोर्ट ने बताया कि ट्रैफिक के पीछे ये गड्ढे एक मेजर कारण है और 50% एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि इन रोड्स की इंजीनियरिंग ही खराब थी, जो लगातार बारिश की वजह से और बुरी हो गई है। इसके अलावा लगातार सिविल वर्क्स, चाहे वो सूवेज लाइंस की वजह से हो या फिर पाइपलाइन वर्क के लिए, उससे भी रोड्स की कंडीशन खराब है। और फाइनली, क्योंकि बेंगलुरु में ज्यादा डेवलपमेंट बिना प्लान से हुई, इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए शहर में केवल दो ऑप्शन है, पर ये ऑप्शंस लोगों की ट्रांसपोर्टेशन की मांग को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से प्राइवेट व्हीकल्स की काफी ग्रोथ हुई बेंगलुरु में, जिसकी वजह से उधर का ट्रैफिक और बिगड़ गया। तो अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या है?
पहला कि बेंगलुरु कुछ हाईटेक सॉल्यूशंस को अपना सकता है, जैसे अभी वो एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जापानीज गवर्नमेंट के सपोर्ट से, जो कई मेजर इंटरसेक्शंस में ट्रैफिक को 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं 3 सालों के अंदर। पर कई एक्सपर्ट्स ऐसे हाईटेक सॉल्यूशन से इतने कन्विंस नहीं है। वो कहते कि ऐसे सॉल्यूशंस तभी काम आएंगे जब लोग अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। इसीलिए बेंगलुरु की एक प्रायोरिटी होनी चाहिए BBMP, जो बेंगलुरु की एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनको अकाउंटेबल रखना कि वो रोड्स की कंडीशन इम्प्रूव करें। 2019 में कर्नाटका हाईकोर्ट ने रूल किया था कि खराब रोड्स और फुटपाथ लोगों की फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं, और इसीलिए सिविक बॉडीज का कर्तव्य है कि वो इन चीजों को मेंटेन रखें। अब BBMP कोशिश जरूर कर रही है, पर एक जजमेंट से इतना फर्क नहीं आएगा जब तक पुलिस इस ऑर्डर को एनफोर्स नहीं करती, और इसकी संभावना कम ही है। जैसे प्रोफेसर MN श्रीहरि ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस म्यूनिसिपैलिटी जैसी एजेंसीज को बुक कर सकती हैं, पर पुलिस ऐसा कर नहीं रही। बेंगलुरु की प्रॉब्लम्स के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन भी होगा कि उधर की रोड्स की चौड़ाई बढ़ा दी जाए, पर जैसे हमने बात करी ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि उस चीज के लिए बिल्डिंग्स को तोड़ना होगा। पर एक चीज वो कम से कम कर सकते हैं, वो है इलीगल पार्किंग पर रोक लगाना, जिससे ट्रैफिक के लिए ज्यादा जगह मिल जाए। और फाइनली बेंगलुरु को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अभी बेंगलुरु की करीब 7.3% जमीन को ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि गाइडलाइंस के हिसाब से ये 14-16% होना चाहिए किसी भी बड़े शहर के लिए। ट्रैफिक को सॉल्व करने के लिए बेंगलुरु के ऑफिशियल्स का ध्यान फ्लाईओवर्स बनाने में रहा है, जैसे उधर का स्टील फ्लाईओवर। A green signal from the state government to commence work on the much hyped up steel flyover from Basaveshwara Circle to Hebbal Junction flyover will be implemented by the BDA. But will this 6.7 kilometer elevated road be the answer to decongest Bengaluru's jam-packed roads? पर रिसर्च ने दिखाया कि फ्लाईओवर्स बनाने से ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, इसीलिए ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना जरूरी है। और ऐसा लग रहा है कि अब बेंगलुरु सही दिशा में जा रहा है। बेंगलुरु के मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से वो शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का शेयर 48% से करीब 60-70% तक बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसी चीजें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम्स यूजुअली अमीर लोगों की वजह से क्रिएट होती हैं, क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, पर इसका सबसे ज्यादा भुगतान गरीब लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली शहर के सेंट्रल एरिया में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद होते हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब क्योंकि गरीब लोग उधर रह नहीं सकते, इसी वजह से उनको शहर के बाहर के एरिया में रहना पड़ता है, और मेन एरियाज में उनको आने के लिए उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ता है, पर ट्रैफिक की वजह से ये समय बहुत बढ़ जाता है। और शायद इसी वजह से बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस को यूज कर रही है ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। जैसे उन्होंने रोड्स पर मैनिकिंस इंट्रोड्यूस करे ट्रैफिक पुलिस के भेष में, पर ये क्लियर नहीं है कि ये तरकीब कितनी इफेक्टिव होगी। मोस्ट लाइकली ये सोशल मीडिया में एक और मीम बन जाएगा।